लोकसभा चुनावों का बिगुल फूकने के बाद सीतापुर में भाजपा प्रत्याशियों ने अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी है। इसी के तहत रविवार को लोकसभा सीट मोहनलालगंज से भाजपा सांसद व प्रत्याशी कौशल किशोर तथा मिश्रिक सीट से भाजपा सांसद व प्रत्याशी अशोक रावत ने अपने अपने क्षेत्रों में जन आशीर्वाद यात्रा निकाली। इस दौरान यात्रा में लोगों का भारी हुजूम उमड़ा। सिधौली में सांसद कौशल किशोर ने जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत इटौंजा के टोल प्लाजा से की। यात्रा अटरिया से नीलगांव मोड़ होते हुए कुंवरगड्डी, बेहमा चौकी, दुगरा चौराहा, रामपुर कला, सरवा जलालपुर, नेवराजपुर, जगदीशपुर, कमरिया पुल पहुंची। इसके बाद कसमंडा, कमलापुर, हमीरपुर, नया गांव मोड़, बमेरा, मोहनपुर, चित्रहेटा, जयरामपुर, बबुरी मोड़ चौराहा, बभौरा, सुजौलिया, छिदनी कुआं चौराहा, गंगोई, कुचलाई, गोपालपुर भट्टा, धरौली, असुआमऊ, तौकलपुर पारा, इस्माइलगंज, कुर्सी, मनवा चौकी आदि जगहों पर कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। यात्रा सिधौली के एक लॉन में पहुंची, जहां पर यात्रा का समापन किया गया। यात्रा में MLC पवन सिंह चौहान, जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, विधायक मनीष रावत, ब्लॉक प्रमुख रामबख्श रावत, चेयरमैन गंगाराम राजपूत, अरुण सिंह गप्पू, कसमंडा स्टेट के कुंवर दिनकर प्रताप सिंह, सभासद दिग्विजय शुक्ल, मंडल अध्यक्ष सिधौली राकेश पांडे, पुष्कर गुप्ता सहित तमाम पदाधिकारी व कार्यकर्तागण मौजूद रहे। मिश्रिक लोकसभा क्षेत्र में सांसद एवं भाजपा प्रत्याशी अशोक रावत ने जन आशीर्वाद यात्रा निकाली। जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ भिठौरा के मंडल अध्यक्ष KP सिंह के आवास से हुआ। यात्रा में मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव, ब्लॉक प्रमुख रामकिंकर पांडे, पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष मुनींद अवस्थी सहित गणमान्य नागरिक शामिल हुए। यात्रा का स्वागत सूरजपुर चौराहा पर रामचंद्र त्रिपाठी, महेश प्रसाद गौतम, मछरेटा में आलोक वाजपेयी, अंजलि शुक्ला ने किया। बीहट बीरम में राहुल सिंह, गंपू सिंह, चंदन सिंह द्वारा आदिलपुर चौराहे पर स्वागत किया गया। मछरेटा में आलोक वाजपेयी, अंजलि शुक्ला ने स्वागत किया। बीहट बीरम में राहुल सिंह, गंपू सिंह, चंदन सिंह द्वारा आदिलपुर चौराहे पर निशा वर्मा ने स्वागत किया। यात्रा में प्रदीप मौर्य, राम प्रकाश गौतम, पिंकू पाल, प्रधान मोनू, सतीश शास्त्री, प्रदीप दीक्षित, विनीत मिश्रा, अभिषेक त्रिपाठी, नंद किशोर यादव, प्रवीण सिंह आदि लोग मौजूद रहे। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।